आगरा के अस्तित्व का पहला संकेत महाभारत में मिलता है। तब इसे अग्रवन के नाम से जाना जाता था। इस स्थान का संबंध कृष्ण जी के जन्म से भी है। आगरा यमुना नदी के तट के दोनों ओर बसा है। दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के सिकंदर लोधी ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। उसका लड़का इब्राहिम लोधी यहीं से राज चला रहा था जब उसकी बाबर के हाथ पहली पानीपत के युद्ध में 1526 में पराजय हुई थी। बाबर ने आगरा को ही अपनी मुगलिया सल्तनत की राजधानी बनाया था। हुमायूं को हराने के बाद शेरशाह सूरी ने भी आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। अकबर की भी राजधानी आगरा ही थी। शाहजहां के बाद औरंगजेब ने आगरा से अपनी राजधानी शाहजहांबाद ले गया, जिसे दिल्ली के पास शाहजहां ने बनाया था। आगरा पेठे की मिठाई, पत्थर पे मीनाकारी और ताजमहल के लिए जाना जाता है, जिसकी आधारशिला मुगल राज में पड़ी थी।